अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल हैं? आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना जा रहे हैं जिसका नेम है जी ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स, जो हमने कम्प्लीटली पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं वो इसमें से आएंगे, इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे तो फिर भी ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली रूटीन के हिसाब से कुछ सीखने के लिहाज से पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो यही बात है कि हमने पढ़ के ना अच्छे नंबर लेने हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आती है ना, उसके पीछे कोई रीज़न होती है, वो डेली लाइफ के लिए या कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसे अच्छे तरीके से अगर हम पढ़ें तो वो हम उसको डेली लाइफ की रूटीन के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, घर में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा फॉल्ट क्या है कि हमने बस जी पढ़ना है, नंबर लेने हैं और पता नहीं क्या क्या करना है, और जी जाए बाढ़ में कुछ याद रहे या ना रहे, बस पेपर दे के फारग, पेपर बस अच्छा हो जाए और हमें इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे ना तो आप कुछ नहीं अपना समझ सकते, सीख सकते। लेकिन जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो आप ना भी पढ़ना चाहें ना भी सीखना चाहें, जब आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 3 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने चैप्टर 3 का बल्कि फुल बुक का इंट्रो दिया था चैप्टर अपना लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। जिसने नहीं देखा फुल बुक इंट्रोडक्शन FSE पार्ट 2, ठीक है, जाके देखें। वो फुल बुक के जो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, मेन टॉपिक्स, एवरीथिंग वहां पे मैंने कवर किए हैं। वो एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक थीम है जो आपके माइंड में बन जाता है कि हमने पार्ट 2 की जो केमिस्ट्री है उसमें ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इस चैप्टर का भी मैंने वहाँ पर इंट्रो दिया था। तो आज हमने इंट्रोडक्शन करना है चैप्टर 3 का, जिसका नेम है जी ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स को कम्प्लीटली डिस्कस करना है। मीन ग्रुप 3A एलिमेंट्स बोरोन फैमिली होती है, ग्रुप 4A एलिमेंट्स कार्बन फैमिली होती है। अब जैसे हमने चैप्टर 2 में जो है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल डिस्कस किए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उनके यूजेस देखे थे, फिर मेन टॉप के एलिमेंट के पिकुलर बिहेवियर देखे थे, उनकी फॉर्मेशन देखी थी, उनके रिएक्शंस देखे थे, उसके बाद में इस्तेमालात देखे थे। इसी तरह इस चैप्टर में भी हमने इन तमाम एलिमेंट्स का जो है वो यूजेस, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, एवरीथिंग देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ग्रुप 3A के एलिमेंट्स, जिनको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास ग्रुप 3A एलिमेंट्स हैं। हमारे पास है जी बोरोन, अल्मीनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। अब इसे याद करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा याद करें इसे, तो याद करने का क्या तरीका है, बोरोन को हम कह सकते हैं जी बैंगन, ठीक है जी, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है जी। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। आपके पास एक थैला है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करें ये आपके पास एक थैला है इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे इसके जो है वो पकड़ने वाले लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, याद करने के लिए यहाँ पे बनाएं एक बैंगन, ठीक है जी, और यहाँ पे बनाएं एक आलू, और यहाँ पे बनाएं एक गाजर, ठीक है जी। तो हम याद करने के लिए क्या कहेंगे, बोरोन क्या है जी, बैंगन, आलू एंड गाजर इन थैला, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने याद करने का बड़ा आसान तरीका है जी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, आलू बैंगन खाएंगे बड़े मज़े के साथ, ठीक है। किस किस को पसंद है आलू बैंगन, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आलू बैंगन जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छे जो है ये बनते हैं अगर कोई अच्छे से बनाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने का इसका मेन थीम यही है कि आप इस तरह जो है ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब मैंने चैप्टर 2 में भी आपको बताया था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का क्या ट्रिक है, वो था अल्कली मेटल्स के लिए और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 8, 18, 18 एंड 32। तो यहाँ पे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करेंगे, यहाँ पे अगर इसका 5 है एटॉमिक नंबर तो इसमें आप 8 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद 13 में आप मजीद 18 ऐड करो, ठीक है, ये वाले 18 आपने इसमें ऐड करने हैं, तो ये हमारे पास हो गया कितने जी 31, ठीक है। अब 31 में आप ये वाले 18 ऐड करो तो आपके पास कितने हो जाएंगे 49, ठीक है। अब 49 में आपने 32 ऐड करने हैं, ठीक है, 50 एंड 30 कितना हो गया जी 81, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब ही आप कर पाओगे जब आपको इनके एटॉमिक नंबर का पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 by 1, ठीक है जी।
लेकिन उससे पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, हमारे पास जो ग्रुप का नंबर होता है, ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है, क्या बताता है जी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इस बात का आपको पता होगा जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है। पीरियड का नंबर हमें क्या बताता है जी, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये इसका ग्रुप नंबर कितना है, 3 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, पीरियड 4 है, पीरियड 5 है एंड पीरियड 6 है, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप का नंबर हमें बताता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें बोरोन की, तो ये पीरियड 2 का एलिमेंट है, तो इसमें कितने शेल होंगे, 2 होंगे, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हीलियम से स्टार्ट हो रही है, हीलियम 7 आप लिखोगे, पीरियड 2 है तो आप लिखोगे 2s2 2p1, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास ये एल्युमिनियम है, पीरियड नंबर 3 का है, उसमें आती है नियोन, ठीक है। नियोन के बाद 3s2 3p1, ठीक है जी, समझ आ गई है। 3 इधर है, मीन नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3 है, तो एस 7 में लगा दिया s2, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3 है, 7 में लगा दिया p1। अब हम बात करेंगे गैलियम, तो इसमें आ जाएगा आर्गन, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा 4 है, तो हम लिखेंगे 4s2 4p1, लेकिन यहां पे d ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, तो हम लिखेंगे 3d10, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 5 ये पीरियड है, क्रिप्टॉन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा जी, 5s2 5p1, ठीक है। लेकिन एक और चीज ऐड होगी, क्या जी, 4d10, ठीक है। इसी तरह हमारे पास थैलियम जी, उसमें आ जाएगी ज़ीनॉन, और हमारे पास आ जाएगा 6s2 6p1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसमें 4f14 एंड 5d10 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप इजीली, जब आपको इस मेथड के जरिए एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा, जिसे एटॉमिक नंबर याद होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे यूज़ होनी है। अब यहाँ पे देखें, डी ऑर्बिटल्स भी इसमें इंक्लूड है, एफ ऑर्बिटल भी इंक्लूड है, वो हम देखेंगे कि ये इंक्लूड हो के कौन सा अफेक्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स के ऊपर, वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई बोरोन इज नॉन मेटल एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स फैमिली आर मेटल्स, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं जी। व्हाई बोरोन इज नॉन मेटल, इज नॉन मेटल एंड अदर मेंबर ऑफ इट्स फैमिली आर मेटल्स, ठीक है जी। बोरोन अकेला क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो क्या हैं जी, मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं। पहली वजह, सबसे पहली वजह क्या है जी, बोरोन हैज स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, हाई चार्ज डेंसिटी, पहली रीजन क्या है, ठीक है। ये सबसे टॉप पे है, इसका जो चार्ज है वो क्या है जी, साइज जो है वो क्या है जी, बहुत स्मॉल है रिस्पेक्टेड एलिमेंट से, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, साइज जब स्मॉल होगा इट मींस उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। पहला पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अब ये दो चीजें हैं, इट मींस इट हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इट हैज या बोरोन हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखें कि इसका साइज स्मॉल है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जब साइज स्मॉल होगा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, फिर ये प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना किसकी प्रॉपर्टी है जी, नॉन मेटल की, तो इसलिए जो है ये एज अ नॉन मेटल रिएक्ट करता है। तो हम एंड पे लिख देंगे इट इज़ द रीज़न इज दैट बोरोन इज नॉन मेटल वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स फैमिली आर मेटल्स, ठीक है जी। तो ये थी, अब आपकी बुक में लास्ट पे एक और बात लिखी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है।
दो बातें लिखी हुई हैं। पहली बात वो कहता है कि आपका जो इन तमाम एलिमेंट्स का जो मेटैलिक करेक्टर है ना, वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे होता है जी? यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं जी। अब वो कहता है कि जो हमारे पास मेटैलिक करेक्टर है ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी, जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनका मेटैलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे होता है? सबसे पहली रीजन देखें जरा। सबसे पहली रीजन हमारे पास क्या है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा इट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ जब शेल्स बढ़ेंगे तो उसका जो न्यूक्लियस की जो फोर्स है आखिरी शेल पे मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेटल का जो करैक्टर है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे होता है? साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही उसका होल्ड कम हो जाएगा तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि उसमें उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो गई है, लो हो गई है। तो इस तरह टॉप टू बॉटम इसका मेटैलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और लास्ट बात वेरी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, उसे डीपली समझने की जरूरत है। अब आपकी बुक का जो नेक्स्ट पेज है उस पर 1.3 जो है वो टेबल बना हुआ है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना, टेबल का मैं नंबर लिख देता हूं यहां पे। वो क्या है जी, 1.33 जो है वो टेबल का नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि ये हमारे पास ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है टॉप टू बॉटम वो इररेगुलर वे में जाके चेंज होती है। ठीक है, वैसे मोस्टली होता क्या है, आपको पता है कि हमारे पास जो डेंसिटी है, फिर एटॉमिक साइज है, ठीक है, आयोनिक साइज है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है, इसका जो नॉर्मली ट्रेंड होता है ना वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये डिक्रीज होते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये जो इसका जो ट्रेंड है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है नॉर्मली अगर हम बात करें तो। लेफ्ट टू राइट ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, ये डिक्रीज होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली ट्रेंड है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से इसे भी लिख लेना है। अब ये याद होगा तो अगली बात आपको समझ आएगी। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, अब टेबल की बात करें तो टेबल में जो है अगर आप गौर से देखें, डीपली देखें, तो इनका जो ट्रेंड है ना टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने अभी लिखा था, तो टॉप टू बॉटम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, सबसे पहले अगर हम एक्सपेक्टेड देखें, हम सिर्फ ए को लेके ही सारी बातें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, जब हम अगर हम इसको लें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो है वो तो ऐसे होनी चाहिए, पहले बोरोन की है सबसे ज़्यादा, उससे कम एल्युमिनियम की है, उससे कम गैलियम की है, उससे कम एंडियम की है, उससे कम थैलियम की है, होना तो ऐसे चाहिए लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर आप डीपली जाकर देखो ना बुक में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी कितनी है, 801 है, इसकी 577 है, इसकी 579 है, इसकी 558 है, और इसकी 589 है। अब यहाँ पे देखें कि बोरोन की सबसे ज़्यादा, उससे कम इसकी है, अब ये गैलियम की इससे ज़्यादा है। ठीक है, ये क्यों है? ठीक है, यहाँ पे हमने यही चीज़ तो देखनी है, मतलब रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, क्यों है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले आएगा बोरोन, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास गैलियम, फिर आएगा हमारे पास एल्युमिनियम, फिर हमारे पास आएगा थैलियम, फिर हमारे पास लास्ट पे आएगा एंडियम। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जो पीरियड नंबर 4 है उसमें डी और बाइटल्स इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, डी एंड एफ और बाइटल्स इंक्लूड हो रहे हैं। अब ये जो डी एंड एफ और बाइटल्स हैं, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, वेस्पर थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद आपने अपना हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें आपको पता है कि एस की शेप क्या होती है, पी की शेप क्या होती है, डी की शेप क्या होती है। ठीक है,
ठीक है जी। तो ये आपको पता है। अभी यहाँ पे देखें कि जैसे ही इसमें डी ऑर्बिटल इंक्लूड होता है ना, तो आपको पता है कि ये ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाता है, डिफ्यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो हमारे पास इसमें क्या है, 3d10 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसमें आ जाता है 4f14। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मैंने एक बात और बताई थी आपको कि वो एलिमेंट जिनके ऑर्बिटल्स जो हैं डी और एफ ऑर्बिटल्स जो हैं, या वो फुल फिल हों, ठीक है, या वो हाफ फिल हों, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे ये फुल फिल हैं, इट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल हैं। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब तमाम प्रॉपर्टीज़ जो स्टेबल में लिखी हैं वो वेरी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखें कि ये जो है थैलियम, इससे पहले क्यों आ गया। आपको पता है कि जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल्स इज मोर डिफ्यूज, मोर डिफ्यूज किससे जी, देन डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल से ज्यादा डिफ्यूज है। आपको पता है ना कि हमारे पास जो ऑर्बिटल है, ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास एस आता है, ठीक है, उसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है डी, ठीक है, पी होता है उसे ज़्यादा होता है डी, फिर सबसे ज़्यादा होता है एफ। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो थैलियम है उसमें एफ ऑर्बिटल आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ हो रहा है। जब ये सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा, तो डिफ्यूज़ होने की वजह से इसका जो शील्डिंग फैक्टर ना, वो पुअर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिफ्यूज़ हो रहा है। आपको पता है डिफ्यूज़ कैसे होता है, इस तरह करके, ठीक है, ये मल्टीपल जो है वो डिफ्यूज़ हो जाए, जब ये डिफ्यूज़ हो जाता है फॉर वाइटल, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में मौजूद न्यूक्लियस का, उसके ऊपर होल्ड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होगा, इट मीन्स उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, तो एब्सोल्युटली न्यूक्लियस जो है वो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा। ठीक है, जब टाइटली होल्ड करेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से समझ लेना। इन सेम केस यही डी में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एल्युमिनियम के हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की है, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, इसमें गैलियम में डी है। अब डी होने की वजह से इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो गया है एल्युमिनियम से। ठीक है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है जी, ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे देखें, गैलियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई है। अब ये जो सारी बातें हैं ना, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी है, आयोनाइजेशन एनर्जी की यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब यहाँ पर ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इससे पहले जो मैंने आपको दिखवाया था, आप वो सारी चीज़ें देखें, तो वो सारा कुछ यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, ये सारी बातें क्यों वैरी करती हैं, क्यों इरेगुलर वे है इसके पूरे ग्रुप के एलिमेंट में, ये चीजें हो रही हैं क्यों, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स भी है, एफ ऑर्बिटल्स भी है। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है, डीपली है, एम कैट ई कैट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो है जी अकरेंस ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम। ठीक है, उसे अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, और कोशिश करूंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चैप्टर 7 भी स्टार्ट करूँ। ठीक है, बस जैसे ही मुझे टाइम मिलता है इंशाल्लाह मैं चैप्टर 7 भी स्टार्ट करूँगा, और जो दूसरी क्लासेज हैं 11 है, 9 10th क्लासेज है, उसकी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है फ्री थोड़ा सा, तो मैं वो भी स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के जो 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, मैसेंजर पे मैसेज आते हैं, ठीक है, मेल्स वगैरह आती हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो घबराना नहीं है, इमरान खान वाला डायलॉग नहीं है, ये मेरा डायलॉग है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।